खुद अपने यादव कहते हैं कि हाँ मारा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जो घटना यहाँ पर घटी है वो बहुत दुखद है, मैंने उसके वीडियोस देखे हैं और वो वीडियोस ये बता रहे हैं कि पूरी तरह से बौखलाहट थी जो नहीं होना चाहिए। देखिए पत्रकारों के साथ बदसलूकी जो है और पत्रकारों के ऊपर मुकदमा करना का काम तो मौजूदा सरकार कर रही है उत्तर प्रदेश की, देश की। ऐसे में विपक्ष के और जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनसे हम ये उम्मीद नहीं रख सकते कि वो इस तरह से बौखला जाएं। और कई घटनाओं में मैंने देखा कि पत्रकारों से लगातार उलझ रहे हैं अखिलेश जी। मैं विपक्ष के ही दूसरी पार्टी के नेता की हैसियत से उनको ये सलाह दूंगा कि आप इतना बौखलाइए मत, अच्छा नहीं। अखिलेश यादव को क्या माफ़ी मांगनी चाहिए मीडिया से? नहीं, यहाँ पे जो भी घटना घटी है मुझे लगता है कि पूरी समाजवादी यूनिट को यहाँ के पत्रकारों से जाहिर सी बात है क्षमा और माफ़ी के लिए कहना चाहिए, क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक परंपरा में किसी पत्रकार की पिटाई करना ये बिल्कुल निहायत गलत है। घटना परिस्थिति क्या बनी उसको संभाला जा सकता था, उसे संभालिए। आप सरकार की तरह बिहेव मत करिए जैसे योगी सरकार कर रही है कि पत्रकारों के ऊपर मुकदमे कर दो। अखिलेश यादव ने कैमरे पर स्वीकार किया कि हाँ मारा, क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री को ऐसा बोलना चाहिए? बिल्कुल गलत, बिल्कुल। क्या माना जाए कि साइकिल जो है वो एक पहिए पे चल रही है इसलिए बौखला रहे हैं? साइकिल रामपुर से चली, मैं तो उसका क्रेडिट मुझे दीजिए, मैं ना गया होता तो शायद वहाँ से साइकिल चल रही है। इस बात का जवाब पूछा गया था, मैं तो उन्होंने मना कर क्रेडिट मुझे दे, मीडिया भी और मुरादाबाद मंडल के साथ ही। क्या लगता है आपको? नहीं, इसको समर्थन नहीं कहते, इसको मजबूर करना कहते हैं। आईडी नीचे, जमीन पर उतरने के लिए, आजम खान की हिमायत में उतरने के लिए मजबूर करना कहते हैं। अब अपनी ही पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता को समाजवादी पार्टी पूछ नहीं रही थी। मैं पहुंचा हूं, जिस दिन पहुंचा उसके दूसरे दिन पूरी सड़क पर उतर आई समाजवादी पार्टी, तीसरे दिन अखिलेश जी पहुंच गए। तो ठीक है, मैं तो मेरा काम यही है कि जिसके ऊपर भी जुल्म हो रहा है उसके लिए लोगों को खड़ा कर देना, वो भले ही वैचारिक रूप से या राजनीतिक रूप से मेरा प्रतिद्वंदी क्यों ना हो। ये कहा है कि वो छोटे दलों से ही सिर्फ कहना में समझौता करेंगे, समर्थन करेंगे। मुझे लग रहा है ये भविष्य के गर्त में है, कौन किससे समझौता करेगा, कौन किससे गठबंधन करेगा, अभी अभी समय है। मुझे लग रहा है अभी तो अभी गंगा में बहुत पानी बहेगा। क्या लगता है आपको, अखिलेश यादव से जब भी आजम खान के ऊपर सवाल किया जाए तो वो भड़क जाते हैं? मीडिया के साथियों को लगातार सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि अखिलेश जी पिछले एक साल से चुप रहे हैं, उनकी चुप्पी पर सवाल तो होना चाहिए। ठीक है, इमरान प्रताप बड़ी। देखिए मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, दिल्ली आया और मीडिया पर हमला लोकतंत्र पर, मैं इसकी निंदा करता हूँ और अखिलेश जी को भी माफ़ी मांगता हूँ। आपको क्या लगता है, जिस तरह से अखिलेश यादव बार बार मीडिया को टारगेट कर रहे हैं और जो सवाल पूछा जाता है उनसे तो उस पर भड़क जाते हैं, आजम खान को लेकर के अगर सवाल खासतौर पर? देखिए अखिलेश यादव जी नेटवर्टेन शोध का विषय है, बहुत कम उम्र में मुख्यमंत्री बने, उसके बाद उन्होंने अपने चाचाओं को निपटाया, फिर अंकल को निपटाया, नेताजी को निपटाया और ले दे करके आजम खान बच गए थे, उनको भी निपटाने का काम। क्या मतलब आजम खान को निपटाने का क्या मतलब? अमित शाह, नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ योगी की पुलिस, ईडी, सीबीआई, सोनिया गांधी के दामाद के घर छापा मारती है, कमलनाथ के घर छापा मारती है, डीके शिवकुमार के घर छापा मारती है, कैप्टन अमरिंदर सिंह के रिश्तेदारों के घर छापा मारती है, लेकिन आज तक ना सैफई में छापा लगा है और ना बहन मायावती जी के घर छापा। लेकिन अखिलेश यादव तो कहते हैं कि राजनीतिक द्वेष से आजम खान पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उन्हें फंसाया गया है। मुझे लगता है ये सब एक थैली के चक्के बैठे हैं, आजम खान साहब को निपटाने के लिए ये बड़ी गहरी साजिश है जिसमें समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इन्वॉल्व है। क्या आजम जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद साहब के नाम प्रचार वाली लिस्ट में से गायब है, क्या कहेंगे, बड़े पुराने नेता? देखिए उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, इसका जवाब आपको कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता दे। क्या आपको लगता है कि आजम खान को बलि का बकरा बनाया गया है? मुझे नहीं लगता, लोगों को दिखाई दे रहा है कि उनकी कुर्बानी कर दी गई है।